अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन। एफ इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन, फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन, इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स आर आर ऑड फंक्शंस आर ऑड फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी फंक्शन ऑड होगा कि अगर उसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट करें और वो क्या करे कि आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और जो दूसरी है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। हमने ये क्लेम किया कि ये दोनों जो है ये ऑड फंक्शन है। तो इनको चेक कर लेते हैं कि ये दोनों किस तरह से ऑड फंक्शन है। पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अच्छा, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स आपने पुट करना है, माइनस एक्स एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स होल क्यूब। तो यहां से आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखिए, जब पावर ऑड होती है तो माइनस एज इट इज आएगा और यहां से ये चीज आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, और एक्स क्यूब किस चीज की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। सो आप यहां कह सकते हैं कि सो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन ये जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारे पास आ गया ऑड फंक्शन। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये भी हमने कहा था कि ये ऑड फंक्शन है, तो उसके लिए भी वही काम करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स की इक्वल आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये बात स्टूडेंट आपको पता है कि जो माइनस अगर कॉस और सीकेंट के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो ये साइन एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स, बेसिकली किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। तो यही बेसिकली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है इस फंक्शन साइन एक्स से। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये ऑड फंक्शन क्यों है। अच्छा, इसके अलावा यहां एक पॉइंट आपने नोट करना है। पॉइंट क्या है कि द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है।
उससे पहले भी हम इस सिमेट्रिक की बात कर चुके हैं कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपके पास ग्राफ आ जाए, अगर जैसे कि मैं कहूँ कि ओरिजिन के जैसे इधर का हुआ कि सिमेट्रिक के अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो है हमारे पास वो ओरिजिन के दोनों तरफ एक जैसी शेप होगी उसकी। इस चीज़ को कहते हैं कि वो ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक फंक्शन लिखा था प्रीवियस जो थे स्क्रीन में, वहां पे देखिए हमने दो डेफिनेशन यहाँ देखी है ना, तो इसको देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो पहले सर इसके ग्राफ को देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसका बनेगा। ठीक है, हमने कहा ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजन है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, कि ओरिजिन ओरिजिन के दोनों तरफ वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर लेट्स से स्टूडेंट, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह की शेप बनाएगा। ठीक है, और यहां से ओरिजिन पे ना वो अपनी शेप को चेंज कर रहा होगा और इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इसकी शेप को चेक करें तो आपको नजर आ रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ओरिजिन के इधर भी एक जैसी शेप है और ओरिजिन के दूसरी तरफ भी क्या है, एक जैसी शेप है। और ये ग्राफ जो है ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक्स क्यूब का जो है वो ग्राफ है। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, उसका ग्राफ जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो अगेन हम उसके लिए एक प्लेन बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स के लिए फिर हम यहाँ पे एक, ये लेट से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं साइन एक्स का स्टूडेंट, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। ओरिजिन के दोनों तरफ एक जैसी उसकी शेप होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से शेप आप देख सकते हैं, ओरिजिन है इसके इधर भी जो ग्राफ की शेप है वो इस जैसी ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है उसके ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।